आज की वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं किस तरीके से आप AI की मदद से अनलिमिटेड इमेजेस जनरेट कर सकते हो। तो एक ऐसी वेबसाइट के बारे में आज की वीडियो में बात कर रहे हैं जिसके अंदर आप कुछ प्रॉम्प्ट वगैरह टाइप करके AI इमेजेस आप यहाँ पर जनरेट करवा पाओगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम दो एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हैं किस तरीके से आप इमेजेस को जनरेट करवाने के लिए आप यहाँ पर प्रॉम्प्ट को जनरेट करवा सकते हो। यानी अगर आपको इमेजेस वगैरह जनरेट करवाने उसके लिए बिल्कुल आपको एक परफेक्ट प्रॉम्प्ट की जरूरत पड़ेगी। उस तरीके से आप जो परफेक्ट प्रॉम्प्ट होगा उसको आपको किस तरीके से जनरेट करवाना है उसके बारे में आज की वीडियो में बात करने, उस प्रॉम्प्ट की मदद से किस तरीके से आपको यहाँ पर इमेजेस को जनरेट करना है उसके बारे में आज की वीडियो में बात करने लगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको 4GPT ओपन करना है। यहाँ पर 4GPT के अंदर हम यहाँ पर 4GPT के अंदर हम यहाँ पर प्रॉम्प्ट जनरेट करवाने वाले। तो यहाँ पर आपको सपोज कोई भी एक प्रॉम्प्ट वगैरह टाइप कर देते हो, गिव मी अ 10 प्रॉम्प्ट फॉर जनरेटिंग इमेजेस, और जिस भी सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट्स जो यहाँ पर जिस भी टाइप की इमेजेस यहाँ पर आपको जनरेट करवाने हो किसी भी टाइप के बारे में। सपोज यहाँ पर मैं टाइप कर जनरेटिंग इमेजेस टू स्पाइडरमैन, यहाँ पर जस्ट सपोज मैं यहाँ पर भी टाइप कर देता हूँ, कुछ भी यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। यहाँ पर आपने टाइप कर देते हो यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है। तो आप चाहो तो यहाँ पर 10 सर्च कर सकते हो, यहाँ पर आप चाहो तो 100 आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। जिस भी टाइप के यहाँ पर मतलब जितनी भी आपको यहाँ पर प्रॉम्प्ट वगैरह चाहिए उसको आप यहाँ पर बस सिंपली आपको सर्च कर देना है। यहाँ पर कोई एक प्रॉम्प्ट यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं से इस प्रॉम्प्ट पे यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सपोज इस तरीके से आपको यहाँ पर प्रॉम्प्ट को सिलेक्ट करना है, इसे कॉपी करना है, कॉपी करने और जो भी आपको यहाँ पर प्रॉम्प्ट पसंद आता है उस प्रॉम्प्ट को यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको बैक आना है, बैक आने यहाँ पर आपको वेबसाइट ओपन करनी है ideogram.io करके, इसके भी लिंक यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। तो बेसिकली आप वहाँ से जाकर वेबसाइट को ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको प्लस के ऊपर जाना है, प्लस के अंदर जाने के बाद आपको जो भी हमने प्रॉम्प्ट यहाँ पर हमने टाइप कॉपी कर रखा है उसको यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन नजर आते हैं जैसे एटो, जनरल, रियलिस्टिक और डिजाइन वगैरह। तो जो जिस भी कैटेगरी के अंदर आपको जैसे 3D के अंदर अगर आपको इमेज चाहिए, एनिमेशन के अंदर आपको यहाँ पर इमेज चाहिए होगी तो उसके हिसाब से अपनी टाइप की, तो यहाँ पर आप टाइप सिलेक्ट कर सकते हो किस टाइप की आपको यहाँ पर इमेज जनरेट करवानी। यहाँ पर मैं एटो पर ही रहने देता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको एस्पेक्ट रेशियो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, वैसे 9:16 यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर जनरेट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आपको जनरेट के ऊपर क्लिक कर लेना, कुछ यहाँ पर आप थोड़ा सा वेट करना है यहाँ पर। तो इस टाइप की इमेजेस आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हो। सपोज यहाँ पर मैं इसे ओपन कर देता हूँ, इस तरीके की इमेजेस आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हो। मैं इसे पूरी तरीके से ओपन करता हूँ, यहाँ पर लगभग 4 आप इस तरीके से इमेजेस आप यहाँ पर जनरेट करवा पाओगे। तो बेसिकली आप 4GPT की मदद से इस तरीके की आप यहाँ पर इमेजेस जनरेट करवा पाओगे। और जो मैंने जिस भी तरीके मतलब यहाँ पर मैं परफेक्ट प्रॉम्प्ट की बात करी तो इस तरीके से आप यहाँ पर 4GPT की मदद से प्रॉम्प्ट यहाँ पर आप जनरेट करवा पाओगे और उसी प्रॉम्प्ट की मदद से आप यहाँ पर इमेजेस भी जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको जो भी इमेजेस यहाँ पर आपको पसंद आती है उसको यहाँ पर आपको डाउनलोड कर लेना है। सपोज इसे मैं यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर इस तरीके से आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। इसे ओपन कर लेते हैं, इस तरीके से आप यहाँ पर काफी सारी इमेजेस आप जिस भी टाइप के यहाँ पर आपको इमेजेस चाहिए होगी उसका आप यहाँ पर कर सकते हो। इसे मैं बैक ले दूँ, इसे दूसरे की बनाई हुई इमेजेस को अगर आपको यहाँ पर डाउनलोड करना है, उनको अगर आपको यहाँ पर देखने किस तरीके से लोगों ने यहाँ पर आपको इमेजेस को यहाँ पर लोगों ने जनरेट कर रखा है, तो यहाँ पर आपको उनको भी आप यहाँ पर देख सकते हो किस तरीके के लोगों ने यहाँ पर इमेजेस को जनरेट करवा रखा है। तो यहाँ पर मैं 3 डॉट के ऊपर फिर से क्लिक करता हूँ। अगर किसी दूसरे की बनाई हुई इमेजेस को अगर आपको यहाँ पर डाउनलोड करना है वॉलपेपर के लिए या किसी भी चीज के लिए, यहाँ पर आप उसे यूज कर सकते हो। तो आज की वीडियो में सभी वेबसाइट की जो लिंक होगी उसको मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है, तो आज करके आप वेबसाइट को ओपन कर सकते हो। कोई भी वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन अगर आपको यहाँ पर डाउनलोड करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सब्सक्राइब और रेट बेल आइकन के ऊपर यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा और चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पर आपको सबसे पहले इसे बैक कर देना डाउनलोड मतलब वेबसाइट को ओपन करने के बाद। यहाँ पर आपको डाउनलोड करना है, फिर से आपको वही पे एक बार और कर लेनी है। यहाँ पर आपको सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको फिर से बैक आना है, फिर से बैक आना है और यहाँ पर आपको गेट योर लिंक के ऊपर क्लिक कर लेना और जो भी आपकी लिंक होगी वो यहाँ पर आपकी ओपन हो जाएगी। तो जो भी आप जिस भी तरीके से आप मतलब चाहो तो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हो। आज के डेट में मिलता है आपको।